बस ये घबराइए मत, मैं बैंडेड लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ी ज्यादा बड़ी पट्टी लगाई है, सबको लगना चाहिए चोट सीरियस है। मैडम बहुत मामूली चोट है, आप घबराइए मत। आप बड़ी पट्टी लगाइए बस। जी याद तो है ना अच्छे से सबको क्या बोलना है। जी मैडम चलता हूँ। और शायद किसी शॉक की वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि उन्हें कोई टेंशन ना दें, वरना उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। वाह माँ, डॉक्टर को क्या बोलना है याद करा दिया आपने माँ। और हाँ वो बार बार किसी रज्जो रज्जो को याद कर रही है। हाँ रज्जो 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 ही रज्जो रज्जो जाओ अंदर। माँ प्लीज स्टॉप इट। रज्जो रज्जो हाजी सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हुआ। हाजी मैं यही हूँ तुम्हारे एकदम पास, तुम आराम करो, तुमको चोट आई है ना, तुम मत उठो। नहीं रज्जो हमको आराम नहीं करना। हाजी सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुमको इतनी चोट आई है, इतनी तकलीफ हो रही है, सब मेरी गलती है। नहीं रज्जो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, शायद गलती तो हमसे ही कोई हुई है, जो तुम रहना भी नहीं चाहती हो यहाँ। ना ना माँ जी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तो तुम क्यों जा रही हो रज्जो, मत जाओ। जैसा कहोगी ना हम वैसा ही करेंगे, तुमको दौड़ना है ना, हम कोई टोका टोकी नहीं करेंगे, तुमको तैयारी करने के लिए जहां जाना है तुम जाओ, तुमको जब लौटना है तुम वापस आओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम बोलो तो तुम्हारा तौलिया, तुम्हारी पानी की बोतल, तुम्हारा जूस सब लेके हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, तुम्हारे जूते का फीता भी बांध देंगे बेटा। ना माँ जी ऐसा मत कहो। नहीं नहीं बहुरानी जो हुआ क्यों हुआ नहीं पता, लेकिन हम तुमसे माफी मांगते हैं। देखो बेटा तुम्हारा सब कुछ यही है, तुम्हारी अकेडमी, तुम्हारे सपने, तुम्हारा अर्जुन, सब यही है बेटा, मत जाओ छोड़ के इन्हें। तुम हो ना तभी तो हमारा अर्जुन है, हमारी उम्मीद है, हमारे खाते ना सही, अपने अर्जुन के लिए सही, अपने घर में रुक जाओ। हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। भाई जाने दो ना इसको, क्यों रोक रहे हो उसको, जाओ तुम। रज्जू बेटा जो तेरा दिल कहे तू वही कर, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। आखिर इसको हुआ क्या है, ये अचानक से घर छोड़ के क्यों जाना चाहती है, कहीं अर्जुन ने से सब बता दो। नहीं नहीं बता दिया होता तो ये अब तक चुप नहीं रहती। चुप क्यों हुआ अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें?
यहाँ पे माँ की ऐसी हालत है और रज्जो घर छोड़ के जा रही है और बीच में तुम भूत बन के खड़े हुए हो। हुआ क्या है तुम्हें बताओ। मैं छोटे कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, सुनाई दे रहा है? अरे यार, मतलब इतना क्या गुस्सा हो गया रज्जो से? हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा होता रहता है। छोटे क्या हुआ है? तुम्हारे सामने पूरा परिवार टूट रहा है और तुम खड़े खड़े बोलोगे छोटे? देखो बेटा, अर्जुन की ना टूटी शादी देख सकते और ना ही टूटा हुआ दिल। मैं तो चाहूं से छोड़ के अर्जुन की खुशियों की भीख मांगते हैं तुमसे। मत जाओ छोड़ के उसे, मत छोड़ो, वरना हम छोड़ देंगे इस जिंदगी को, ये दुनिया छोड़ देंगे हम। नहीं, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे बेटा। नहीं जी, ऐसा मत कहो। तुम्हें अर्जुन पे गुस्सा है ना, तुम वो गुस्सा हमारे पर उतार दो। जितना कोसना है, जितना डांटना है, हमको डांटो, हमको बोलो, पर रिश्ता मत तोड़ो। अपने घर को मत छोड़ो, अपने अर्जुन को मत छोड़ो, मत छोड़ो, छोड़ो बेटा। माँ जी, तुम जिसका वास्ता दे के रोक रही हो, जब उसने खुद ही मुझे जाने के लिए कह दिया है, तो मैं कैसे रुकूं? लेकिन तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के जाना भी गलत लग रहा है, क्या करूं? रज्जो बेटा, मेरा कहना है कि तुझे इस वक्त मधुमालती जी की बात का मान रख लेना चाहिए। फिलहाल के लिए रुक जाओ। लल्ला की ढाल हो तुम रज्जो, तो उसे बचाए बिना हम तुम्हें कैसे कहीं जाने देंगे? कितनी नजरें झुकाएंगी आप हमारी? कहीं तो रुक जाइए प्लीज, बंद कीजिए सब, स्टॉप इट। क्यों कर रही हैं साहब? उस एक को बचाने के लिए जो जिंदगी है हमारी। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो किसी को मार के मिले। ये जीवन चक्र है लल्ला, जो आया है वो जाएगा। तो ये तो सब पर लागू होता है, आपके बेटे पर भी लागू होता है। नहीं, तुम्हें बचाने का उपाय है हमारे पास। मौत से बचने का कोई उपाय नहीं होता है माँ। मौत है, किसी को धोखा नहीं देती। डाकिया वाला काम नहीं है कि किसी दूसरे की चिट्ठी किसी दूसरे के पते पर छोड़ के चली जाएगी। पते का तो नहीं पता, पर पति पे आए हर कष्ट को उसकी पत्नी को बांटना ही पड़ता है। कष्ट बांटो माँ, कोई दिक्कत नहीं, मौत। हमें तो सिर्फ तुम्हें बचाना है अर्जुन, और उसके लिए जो बांटना पड़ जाए हम बांटेंगे। तुम हमें रोक नहीं सकते। तो आपने तय कर लिया है कि आप इतना नीचे तक गिरने के लिए तैयार हैं? हाँ, हमने तय कर लिया है, हम इतना दूर तक जाएंगे तुम्हें बचाने के लिए। मन कर रहे हैं कि आपकी ये हरकत सारी दुनिया के सामने ले आए, हम चीख चीख के सबको बता दें कि आप क्या हो, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। दुनिया की नजरों में आपको गिरता हुआ नहीं देख पाएंगे हम, लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे माँ, और हमारी नजरों में आप सबसे ज्यादा गलत हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता, हम तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। हमारी नजरों में आप आज कहीं से भी सही नहीं हैं। मेरे यार रुकने से
फिर से गांव नहीं जा पाई। कोई बात नहीं रज्जो, और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। भले उस समय हमें ऐसा लगे कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, पर वो बुरा हमें अच्छे समय के लिए तैयार कर रहा होता है। मैं तुझे याद है तो हमेशा के कि हमारे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही, वो बस मुझको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मेरी दुनिया मेरे साथ, तू मेरे साथ है माई। बस एक ही सपना है कि मैं इतना तेज भागू कि जहां भी दौड़ का नाम आए ना, और जो का नाम अपने आप आए। मैं इतना तेज भागू कि सब पिछड़ जाए मुझसे, गम मुझको दौड़ में नाम करना है मैं तेरी तरह ही, जो तूने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा है ना, मुझको भी तेरा ख्याल रखना है मैं। दुनिया की सारी खुशियां लाके तुझे देनी है मैं। मैं जानती हूँ रज्जू, तू मेरा ख्याल रखना चाहती है, पर किसी को तेरा भी ख्याल रखना है, तुझे उस पुष्कर से बचा के रखना है। निहारिका ने कहा था कि आज सारे खिलाड़ियों को अपने कोच साहब मिल जाएंगे, सारे लोग टीम में बढ़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। इस साल की पहली ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो कुछ भी मिले बेस्ट ही मिले, ताकि आप खूब आगे बढ़ें और केवल राज्य नहीं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जीत के झंडे गाड़े हैं। तो अब हम हर एक रनर के लिए एक कोच तय करेंगे। मुक्ता सर, आपके कोच हैं मिस्टर त्रिपाठी। भावना, आपके कोच होंगे मिस्टर सिन्हा। पुष्कर साहब, मेरे कोच साहब कौन है? ओहो, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। वो क्या है ना, तुमने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरी है, तो तुम्हारा एडमिशन सिर्फ कहने को हुआ है, हमारी नहीं होगी कहने पर। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी खाने पीने की चीज़ें, तुम्हारा न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, कपड़े वगैरह, वो हम सब देख लेंगे। पर अफसोस, कोच नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम अकेडमी में कोच की फीस भर दोगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम हमारी कोई दुश्मन थोड़ी ना हो, और वैसे भी फीस कुछ ज्यादा नहीं है, तुम आराम से भर दोगे। अच्छा, कितना है फीस? बस 1,00,000 रुपए। 1,00,000? हाँ। अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, अर्जुन के पास बहुत पैसा है,
ले लो उसे। देखो रज्जो, अगर फीस नहीं तो कोच भी नहीं। I'm so sorry. रज्जो के पास कोच है। मेरी माई जैसी लग ही नहीं रही, पर माई तो क्या मेरे लिए क्यों? एक माँ आज खिलाड़ी के अवतार में आई है ताकि उसके बच्चे के हक के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ताकि तेरे आगे बढ़ने में आज कोई अड़चन ना बने। तुम इसकी कोच नहीं बन सकती। कोच बनने के लिए इस एकेडमी का सदस्य होना बहुत जरूरी है। पुष्कर चौधरी जी, शायद आप भूल रहे हैं, 20 साल पहले मैं इस एकेडमी का हिस्सा थी। और इस एकेडमी में जो एक बार सदस्य बन जाता है वो जिंदगी भर यहाँ का सदस्य रहता है। और मैं कोई मामूली खिलाड़ी भी नहीं थी, आपकी एकेडमी को राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। जो आज यहां कोच बनकर आई है, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुर्मा चोट का बहाना करके तो हमने रज्जो को कुछ समय के लिए रोक लिया है, लेकिन हमारा लल्ला है ना, इसने तुझे से कसम खा ली है, सुनने को तैयार ही नहीं है कुर्मा। और जब से उसको दोष के बारे में पता चला है, तब से तो वो सीधे सीधे हमको ही दोषी बना रहे। बताइए, और खुद को कोस रहा है वो अलग। अब आप ही बताइए गुरुमा, हम क्या करें? एक काम करो। हाँ हाँ बताइए ना गुरुमा। हाँ बताइए, हमें भी समझाइए क्या प्लानिंग है, क्या प्लॉटिंग है, क्या साजिश है, हमें भी समझाइए आप। देखो अर्जुन बेटा, गुरुमा आपके नाम में माँ है, उसकी झलक जरा आपने काम में भी दिखाई है। आप जिंदगी देना या छीन लेना ऊपर वाले के हाथ में होता है, कौन कितना जिएगा कौन कितना मरेगा ये ऊपर वाला हमारी किस्मत में लिख के भेजता है, हमें कोई हक नहीं है उसको छीनने का। बंद कीजिए इस अंधविश्वास को। समझ में आ रहा है आपको? ये दोष वो दोष उसके नाम पर बड़ी चढ़ा देना, ये मर्डर है, मर्डर। कुंडली का गलत इस्तेमाल करके किसी की बलि देना ये गलत है। हम माँ को बोलते हुए आए हैं कि हमें इस अंधविश्वास में भरोसा नहीं है। अगर हमारी किस्मत में मरना लिखा होगा तो वो होगा, और अगर आपकी किस्मत में मरना लिखा होगा तो आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा, और ये आप पर भी लागू होता है। लल्ला, अगर हमारी मौत आएगी तो उसे किसी और के सर पे नहीं डाल पाएंगे आप, और अगर आपकी मौत आएगी तो उसे भी आप किसी और के सर पे नहीं डाल पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? और हाँ एक बात और, जब तक हम जिंदा है ना, रज्जो को मारना तो छोड़िए आप, हम रज्जो पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। रज्जो का आप लोग मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।